तारीख 28 मई जब देश नई संसद भवन के जश्न में शुमार था, उसी दिन साहिल उर्फ सनी साक्षी को मारने का प्लान बना रहा था। आपने अभी तक सनी को साक्षी को मारते हुए देखा, लेकिन हम आपको मारने से पहले साहिल ने क्या किया वो बताते हैं। जी हाँ, साहिल ने साक्षी को मारने से पहले क्या किया उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको वही गली दिख रही है जहां एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे आज पूरी दिल्ली कांप गई है। वीडियो में नीली कलर के शर्ट में दिख रहा शख्स मोहम्मद साहिल है और साथ ही में एक और शख्स नजर आ रहा है। मोहम्मद साहिल के हाथ में मोबाइल है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को मैसेज कर रहा है। उसके बाद मोहम्मद साहिल फोन दूसरे लड़के को दे देता है, फिर दूसरा लड़का भी मैसेज पढ़ता है और फिर खुद भी कुछ टाइप करने लगता है। लड़के को टाइप करते हुए साहिल टकटकी लगाए फोन में देखता है, तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि साहिल दूसरे लड़के के फोन से साक्षी का लोकेशन पता करना चाहता था, पता करने की कोशिश भी कर रहा था और हो सकता है कि साक्षी ने साहिल को ब्लॉक किया हो और इसलिए अपने दोस्त की मदद से उसे मैसेज किया हो। साहिल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग पर साक्षी को मारने का भूत सवार था कि कब साक्षी गली से गुजरे और साहिल अपनी भड़ास निकाले। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि सड़क चलती फिरती है और लोग नजर भी आ रहे हैं। साहिल को रहा भी नहीं जा रहा है और अपने सिर के बाल तक नोच रहा है कि आखिर कब आएगी साक्षी। और फिर जब शायद साक्षी का मैसेज आ जाता है तो उसका दोस्त चला जाता है और तेजी से साहिल गली के अंदर चला जाता है। उसके बाद की कहानी तो पूरी दुनिया ने देखी। साक्षी तो चली गई, लेकिन बहुत से सवाल छोड़ गई। पहले तो उन लोगों के बारे में जो चश्मदीद बने रहे और फिर उस प्यार के बारे में जो उसने किया था। हाथ में कलावा और साथ में चाकू से मारने तक साक्षी पर चलता रहा। कोई किसी पर कैसे भरोसा करे और ऐसे समाज में कोई किसी के मरने पर इतनी सामान्य तरीके से केवल चश्मदीद बना रह गया। जिंदा तो वही है जो हरकत करे, ये तो मुर्दा थे जो मरते हुए साक्षी को देखते रहे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।